बहुत ही खत्म और बहुत ही खराब है। फाइनली गाइस अपने पहुंच गए अरके। गुलाब जामुन तैयार हो रहे भाई साहब, तैयार कर रहे हैं। भाई साहब आपका क्या हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बढ़िया हूँ। अपने आगे न्यू ब्लॉग के साथ आप सबको मेरी तरफ से हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कन्ना गणी। आप बढ़िया होगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। सबसे आप आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर मतलब कई दिनों से यहाँ पर आ रखे थे। अब क्या ही बताऊँ मैं आपको, अब हम अपने घर पर जाएंगे और आज पिछला घर पर नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमारे घर के पास में जाना है, घर नहीं जाना, तो घर पर भी जाने के लिए दो तीन दिन अभी और लगेंगे। तो चलन भाई बहुत सुंदर बनी है, अति सुंदर दस्तार आपने सजाई है, क्या ही बताऊं मैं आपकी, एक नंबर दस्तार सजा रखी है। चला कि मैं ऐसे ऐसे बांधू ये इतनी बढ़िया बन जाएगी, मतलब कुछ आप बताइए अपने बारे में। मैं जगाड़ ला के आया हूँ। सो गाइस फाइनली अपने पगड़ी रेडी कर ली है, तो आप लोग कमेंट करके बताना आपके भाई की पगड़ी कैसी। मैंने काफी टाइम लगाया तो भी बन रही है। तो अभी मेरी ड्यूटी है खंडपर से, पर अभी ड्यूटी लगा के तरह होगा, टेंट वगैरह फुल लगा रखा है इन लोगों ने, तो अभी यहाँ पर समाप्ति होगी, उसके बाद अपने चलेंगे घर पर। तो हमारे वाले रूम है ना जो, उसके अंदर देखो, ये देखो गुलाब जामुन तैयार हो रहे हैं भाई साहब, तैयार कर रहे हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? रामलाल। तो ये देखो रामलाल जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से गुलाब जामुन तैयार किए हैं, और उसके ऊपर ये क्या ये छिड़क रहे हो आप? खोए का बुरादा। हाँ ठीक है, खोपरे का बुरादा है। तो इधर इधर भी देखो ये पकौड़े वगैरह तैयार करके इधर ये, और काफी मतलब बढ़िया से काम। इसको बनवाना हो ना, इसको क्या कहते हैं यार गुलाब जामुन को, तो इनके साथ संपर्क करें। तो ये यही के रावत सर के रहने वाले हैं, है ना? तो आपके इनसे संपर्क करना, आप बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। तो मैंने तो पहले खाए थे, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगे। तो आप लोग भी अगर आपको इनसे बनवाने हो तो यहाँ से रावत सर में संपर्क करें इनसे। तो ये कहीं पर भी आप बनवाने हो तो वहां पर आके आपके घर पर ये बनवा के जाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनाते हैं, तो इन देख सकते हो कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। रेडी हो जाते हैं अपने, रेडी होके और बस ड्यूटी लगा के फिर जाएंगे अपने घर पर, खाना वगैरह खा करके। मानता है कि इनको कोई पहचान ना ले, ये बहुत ही बड़े लेवल के गुंडे हैं। इनको कोई पहचान ना ले। हर मनोकामणी अपनी गाड़ी में अभी जो सामान पैकिंग हो रहा है, तो अभी हम निकलते हैं, तो काफी लेट हो गए यहाँ से निकलते, बट कोई बात नहीं, अपने को रास्ते में टाइम लगेगा, तो अभी रेडी है, तो रास्ते में देखेंगे क्या होने वाला है। काफी तो गाइस अभी हम रास्ते में जा रहे थे, और देखो ये वाली सड़क तो बहुत बढ़िया है, बट इसके आगे वाली जो सड़क आएगी ना बहुत ही ख़त्म और बहुत ही ख़राब है, उसमें अपने को काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने सोचा यार अभी ये वाली सड़क है ना, तो ये वाली तो दिखा देते हैं हम लोगों को, बढ़िया मस्त है, बट जो आगे वाली सड़क आने वाली है बहुत ही ख़राब आने वाली है, उस पर तो अपने साइकिल से भी नहीं चल सकते, इतनी तो ख़राब है। तो गाइस ये देखो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पुल बन रहा है, तो कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ पर चल रहा है देखो, काफ़ी बड़ा लेवल से चल रहा है। तो हम इधर शॉर्टकट जाते हैं ना, तभी ये रास्ते में आता पुल। देखो इधर सूरतगढ़ पहुंच चुके हैं, तो अभी काफी टाइम पड़ा है, तो अपने चलते हैं यहाँ से। अपने तो काम तो था, बट अभी अपने साथ टाइम नहीं है इतना कि अपने यहाँ पर रुक सके। फाइनली गाइस अपने पहुंच गए अरके विजयनगर, अब यहाँ से थोड़ी दूर का ही है रास्ता अपने घर का, तो चलते हैं। तो गाइस फाइनली अपने यहाँ पर पहुंच गए,
अब रेस्ट करेंगे। अमरजीत के पास में आए हैं तो रेस्ट करने के बाद में लगाएंगे ड्यूटी। तो ये वाला हमारा रूम है, ये देखो कितना बढ़िया रूम है, एलसीडी भी लगी हुई है, इधर इधर फैन भी लगा हुआ है। ये वाला फ्रंट गेट है, इसकी जो करने वाली पड़ी है वो क्या कहते हैं इसको। सो गाइस अभी अपने रोटी वगैरह खाई है, रोटी खा के तो अभी हम यहाँ पर आए थे घूमने के लिए। ये देखो सड़क पर हम थोड़ा सा टहलने के लिए आए थे, मैंने सोचा चलो लाते थोड़ी सीधी हो जाएंगी, वैसे ही बैठे रहे कई दिनों से ना, तो बैठे बैठे चल रहा अपना। तो अभी देखो हम सड़क पर थे। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।